हेलो नमस्कार सभी को। मैं अपनी वीडियो क्लिप तो नहीं भेज सकती, बट मैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से ज़रूर आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए, रविंद्र फौजी जी साहब जी को सपोर्ट कीजिए कि वो आपकी आवाज़ इस सरकार तक कानों में पहुँचे कि ये गलत है। बहुत माँ बापों का दुख है कि जो ये सरकार ने फैसला लिया है वो बिल्कुल गलत है। अगर सरकार को ऐसा फैसला लेना था तो पहले उसको पास्ट की जो भर्तियां थी जो चल रही थी उनको कंप्लीट करना चाहिए था, फिर उसके बाद उसको कोई भी डिसीजन लेना था, कोई भी चेंजेस करने थे वो करने चाहिए था। उनका ये बहुत गंदा स्टेप है जो आने वाले टाइम में उनको बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला है। वो तो उनको आने वाले टाइम में अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है, क्योंकि जितना सपोर्ट भाजपा को अब तक लोग करते थे मेरे को लगता है जहाँ तक वो शायद आने वाले टाइम में बिल्कुल भी नहीं होगा, 50% भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनकी स्कीम है और फिर भी निकालने के बाद भी इन्होंने जो अपने अकॉर्डिंग फैसले लिए, ना कि जनता की सुनी ना किसी युवाओं की सुनी, जो इस स्कीम उन्होंने निकाल। अगर सरकार अपने आप को इतना ही समझदार समझती है तो उनको ये जो स्कीम है, जो पहले की स्कीम थी जो वगैरह इन्होंने अब उनको रद्द किया है, तो उनको कंप्लीट कराना ही होगा, हर हालत में कराना होगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत गंदा स्टेप लिया और हम इसके बहुत अगेंस्ट है। लगभग बहुत लोग इसके अगेंस्ट है, पर आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। कुछ परसेंट लोग ही हैं जो इसको मतलब इसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। और युवाओं का तो हालांकि ये हाल है कि वो ना चाहते हुए भी अग्निपथ से जो नई स्कीम निकली है उनमें जॉब कर रहे हैं। इससे अच्छा तो भाई साहब ये करो कि एक किसी फल का ठेला लगा लो, उसमें भी तुम 12 लाख आराम से कमा लोगे 4 साल में, अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। यहाँ पे 5 साल तो मेहनत करोगे और अपनी जो आपको इतने कम टाइम की जॉब में आप क्या कर लोगे, खुद का कोई बिजनेस भी नहीं खोल सकते, ना ही कोई घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते। और ये जो डिफेंस है इसमें कोई भाई बड़े बाप के बेटे नहीं जाते, बहुत नॉर्मल फैमिली के, बहुत निम्न स्तर की फैमिली के ही लोग इसमें जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कंडीशन पता है, इसीलिए वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। किसी को मरने का शौक नहीं आज के टाइम में, बट उनकी मजबूरियाँ होती हैं, उनके माँ बापों की मजबूरियाँ होती हैं जो उनको, जिनकी वजह से उनको जाना पड़ता है। और फिर जो सरकार ने ये गंदा स्टेप उठाया है ये इनको भुगतना तो पड़ेगा, या तो वो अपने आप कुछ सोचकर इसमें बदलाव करे या फिर उनको इस चीज़ को बहुत गंदे तरीके से भुगतना होगा। तो यही कहना है कि आप फुल से फुल, अगर आपके सपोर्ट में कोई बंदे खड़े हैं तो आप उनको फुल से फुल सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि फैसला हमारे ही हक में होगा। अगर आप लोगों अपनी जान से उसमें सहयोग देंगे तो, क्योंकि इनको अगर ये चाहकर भी ये रविंद्र फौजी साहब है या फिर इसके अलावा कोई और है जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वो अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई तुम्हारी है, उनकी लोगों की लड़ाई नहीं है। वो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, लड़ना आप लोगों को ही पड़ेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपने हक को लेके रहिए। यही कहना है। धन्यवाद।